हाय गाइस, वेलकम बैक। दिस इज हंकूर बडी। आज मैं आपको चैन स्प्रॉकेट चेंज करने का दिखाऊंगा यूनिकॉर्न का। इसके लिए हमको 4 बोल्ट निकालने पड़ते हैं चैन गार्ड का। तो इधर पे हम लोग को ब्रेक शू का पहले नेट पूरा लूज करना है। इसके नीचे का अब एक एक बोल्ट लगा होता है वो भी निकालना है। बाद में हम लोग जो मेन बोल्ट नट है उसको लूज करेंगे। तो इधर से लूज जब भी आप करोगे, इधर पे बड़ा एक नट होता है, उसके बाद छोटा एक बोल्ट होता है। बड़े नट को लूज करना है, उसके बाद छोटा बोल्ट को उधर पकड़ के उधर से नट को लूज करना है। ये लूज़ होने के बाद थोड़ा उधर भी फिरेगा, तब उसको उधर साइड से पकड़ना है, उसके बाद ही लूज़ होगा। पूरा लूज़ होने के बाद उधर से नेट वगैरह निकाल के ब्रेक शू का पूरा लूज़ करना है। उसके बाद ब्रेक शू अलग से निकाल के रखना है। अब हम इसका जो क्या बोलते हैं कटिंग प्लेट की, अगर से आपका टाइट होगा तो आपकी गाड़ी का, तो कटिंग प्लेट से लूज़ कर सकते हैं या फिर 12 नंबर का स्पॉनर से लूज़ कर सकते हैं, 12 या 13 होगा। अभी हम लोग चैन गार्ड निकालेंगे। 4 बोल्टे होते हैं उसके, ऊपर एक नीचे एक, फिर वो सेट उधर पे एक नीचे एक रहेगा। इसके साथ बुश भी लगा होता है, तो ध्यान से रख लो, किधर भी मिसप्लेस भी होने के चांसेस हैं। नीचे की तरफ खींचेंगे तो नीचे का आएगा, फिर ऊपर का ऊपर की तरफ खींचना है और पीछे की तरफ खींचना है। तो आपका चैन गार्ड निकल गया। सारे बोल्ट उस पर वापस लगा दो, ऐसे लगा के साइड पे रख दो। सारा फिट होने के बाद फिर भी एक बार आपको पूरा क्लीन करके वापस बिठाना है। तो अभी हम लोग गियर पे डाल के उसके जो चैन स्प्रॉकेट का जो बोल्ट होता है उसको लूज करेंगे। गियर पे रख के लूज कर सकते हैं रिंग की मदद से। अगर से नहीं हो पा रहा है तो किसी को ब्रेक पकड़ने के लिए बोलना है, रेयर ब्रेक, उसके बाद ही आप निकाल सकोगे। आप देख सकते हो कि इतने बहुत टाइट है, इसलिए टायर भी फिर रहा है। तो अभी हम लोग उसको बराबर से निकालेंगे। ये हमारा ब्रेक शू निकल गया। अभी उसको थोड़ा बोल्ट पीछे की तरफ खींच के बाद में चाक भी निकालना है।
चाक के बगल में आपको लबर वगैरह रहेगा जो स्प्रॉकेट को पकड़ा होगा, तो उसको ध्यान से निकालना है। जब भी आप 4 इंच स्प्रॉकेट चेंज कर रहे हो, लबर देख के लबर बदलाना पड़ेगा आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम लबर जाके होता है, इसीलिए नया लबर ही डालना है। वो एक से एक लग के रहता है, जॉइंट होके रहता है। अभी कटिंग प्लेट की मदद से हम लोग कुछ हम चैन निकालेंगे। चैन का लॉक होता है, उसको देख के ध्यान से निकालना है। उसके बाद दोनों साइड से उसका ये रहेगा जॉइंट, वो भी निकालना है। लॉक किधर है पहले ढूंढना है, उसके बाद गियर में डाल के लॉक निकालना है। जब भी फिरा रहे हो तो थोड़ा हाथ का ध्यान रख लेना है, हाथ वगैरह बदने स्प्रॉकेट में आ जाएगा। कॉर्नर के एज पे रख के उसको ये करना है, तभी निकलेगा वो। ये पुराना होता है ना, तो वो क्या बोलते हैं, कचरा वगैरह लग के बहुत ये थोड़ा टक होके रहेगा, इसलिए स्कूटर की मदद से आप निकाल सकते हो। तो दो लॉक निकाल दिए, तो अब एक एक जो पीछे की तरफ से लगा होता है उसको स्क्रूड्राइवर की मदद से हम लोग पीछे की तरफ खींच के निकालेंगे। फ्लैट स्क्रूड्राइवर डाल के उसको अलग से पुश करेंगे पीछे की तरफ से। तो हमारा चैन निकल गया, जो लॉक पूरा चैन अलग से निकालना है। निकाल के अभी हम पीछे का जो ये है वो निकाल देंगे। ये बोल्ट निकालना है, मेन बोल्ट नट। तकरीबन 32 का स्पॉनर का साइज है वो। वो निकाल के थोड़ा पुश करेंगे पीछे की तरफ से निकलेगा। तो हमारा चैन स्प्रॉकेट निकल गया। तो अब हम सामने का चैन स्प्रॉकेट निकालेंगे, छोटा वाला 10 नंबर का स्पॉनर लगेगा इस 14। उसके मदद से हम लोग पहले दो बोल्ट निकालेंगे, उसके बाद एक छोटा सा लॉक होता है उसके टीथ में आके वेट बैठा हुआ होता है, तो उसको अलग से बिना टीथ की जगह पे उसे रोटेट कर सकते हैं। रोटेट करके खींचना है बस। एक अंदर से एक लकीर होगा, स्ट्रेट होगा अंदर की तरफ, बीच में पार्टीशन जैसा है उधर पे आप घुमा सकते हो, उसके बाद खींचने से निकल जाएगा।
जो जैसे निकाल रहे हैं वो देख के फिर वैसे ही वापस बिठाना है, आगे की तरफ क्या लगा लिखा होता है वो देख के वापस वैसे ही बिठाना है। तो आगे की तरफ नंबर वगैरह रहता है वही देख के हम लोग वापस बिठाते हैं। तो ये पोर्शन को पूरा क्लीन कर लो, जो भी आप ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह जो भी लगाए हुए थे पूरा इधर ही आके जाम होके रहता है वो जमा हुआ। पहले सूखे कपड़े से पोंछ के बाद में पेट्रोल के कपड़े से हम लोग क्लीन कर लेंगे। तो अभी हम फर्स्ट सामने का लगाएंगे, उसके बाद पीछे का करेंगे। अभी आप देख सकते हो इसमें बोल्ट वगैरह सब आते हैं ऐसे ही। इसके दांत देखो आप कितने शार्प हो गए हैं, और अभी जो नया डाल रहे हैं उसके थोड़े अच्छे हैं, तो इसीलिए हम लोग चेंज करते हैं। जब भी चेन का टाइम आ जाता है चेंज करने का तो साउंड शुरू हो जाएगा चेन पे, अगर आप टाइट करेंगे तो भी चेन का साउंड आएगा, तभी आप समझ जाना है कि स्प्रॉकेट चले गया है। जो जैसा हम लोग ने आगे की तरफ निकाले थे ना, तो नंबर आप देख सकते हो वो सेम नंबर हम लोग अभी नया वाले में देख के डालेंगे। गियर में डालो, उसके बाद बोर्ड लगा के पहले उसका लॉक डाल के उसके बाद बोर्ड लगा। बहुत ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है, टाइट लिमिट रहता है उतना ही टाइट करना है गियर पेडल को। ज़्यादा भी टाइट करेंगे तो स्लिप भी होने के चांसेस होते हैं। तो फ्रंट का हो गया, अब एक बार चेक कर लेते हैं। अभी बैक का जब खोल रहे हैं अगर से कोई खुला नहीं हुआ हो, हमें बोल्ट अगर से बहुत ज़्यादा टाइट है खोल नहीं पा रहे हो, तो उसको कितना भी कोशिश करो नहीं खुलेगा। इसलिए उसका जो टायर है वो पूरा टायर पे जो पुराना लबर हो लगा होता है उसको ऊपर डाल के उसके बाद ही उसको खोलेंगे तो खुल जाएगा। एक आदमी कोई टायर को पकड़ा होना चाहिए, उसके बाद बोल्ट खोल सकते हैं। इसमें भी नंबर लिखा होता है वो भी देख के बराबर से वैसे ही डालना है। उसमें भी थोड़ा ऑयल वगैरह ग्रीस वगैरह से आपके पास है तो डाल सकते हैं। डालने के बाद एक बार क्लीन कर ले कर ले के बाद में डालो। जो भी स्क्रू हैं बोल्ट है उसके इनबिल्ट, उसको भी थोड़ा लगा लो और आसानी से बैठेगा।
जैसे हम लोग ने टायर पे डाल के लूज किया था वैसे ही डाल के हम लोग टाइट कर देंगे। हाथ थोड़ा देख के रख के टाइट करना है, जब तक स्लिप होने से आपको चोट भी लगने के चांसेस होते हैं। चारों भी एक ही साइड देख देख के टाइट करना है, तभी लेवल से बैठेगा, नहीं तो एक ही जगह पे फुल टाइट करोगे तो सीधा टाइट नहीं होगा। अभी हम लोग इसको वापस बिठाएंगे, तो बिठाने के बाद ये जो चैन का ये रहता है ना एडजस्टमेंट, उसको वापस पूरा आखिरी की तरफ ढकलना पड़ेगा उसको, एट द बिगिनिंग स्टेज। ये डालने के तब थोड़ा दिक्कत होता है, मगर उसका होल बराबर से देख के आप अगर से पुश करेंगे ना तो हो जाएगा। हल्के हल्के से मारना है, ज़्यादा फोर्स मत लगाना। इसको भी थोड़ा क्लीन करके ऑयल वगैरह लगा के उसको भी टाइट कर देंगे हम लोग। ज़्यादा भी टाइट नहीं करना है क्योंकि फिर चैन एडजस्ट करना है, एडजस्ट करना पड़ता है। थोड़ा वो टाइट करके बाद में चैन हम लोग डालेंगे। चैन का लॉक होता है ना वो हम लोग अभी निकालेंगे, पेंट में लगा होता है वो, आपको देखने के लिए आसानी होगा इसीलिए कंपनी से पेंट में लगा होता है, उधर से निकाल के हम लोग बिठाना है वो, बस जैसे निकालते हैं वैसे ही सेम बिठाना है। हम लोग सामने से भी अलग से लेके ये नीचे की तरफ से जैसा चैन हम लोग ने निकाला था ना सेम वैसे ही हम लोग वापस नया चैन डालेंगे। वो अंदर से आता है चैन, वो भी देख लो एक बार। बिना टायर के बहुत फ्री होता है पीछे का चैन, चैन पॉकेट जब हाथ में रखे हो रहे हैं तो थोड़ा देखना है, जैसा कि आप देख सकते हो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये जो एडजस्टमेंट मैंने बोला था ना बिगिनिंग पे लूज करके उसको अंदर की तरफ रखना है, तो ये पहले स्टार्टिंग में जो हम लोग एडजस्टमेंट करते थे लूज़ हो गया करके, तो उसको वापस लूज करके स्टार्टिंग की तरफ रखना है। गियर पे रख के भी काम कर सकते हो आप,
क्योंकि हर चेंज रॉकेट के अंदर आने के चांसेस भी होते हैं, तो वो ध्यान में रख के गियर में डाल के करना है। लूज करके अंदर की तरफ ढकलते रहना है जब तक वो चैन नहीं बैठेगा। अरे इसका सामने का लॉक डालेंगे, पहले पीछे का भी डाल दिए हम लोग ने, अभी सामने का डाल के उसको लॉक फिट करेंगे। जैसा हम लोग ने निकाला था कटिंग प्लेयर या नोज प्लेयर की मदद से, वैसे ही जब बिठा रहे हैं तो उसकी मदद से ही हम लोग वापस बिठाना है। थोड़ा नीचे की तरफ बेंड करके अगर जब पुश करेंगे ना तो बैठ जाएगा। तो हमारा चैन बैठ गया, तो एडजस्टमेंट अब हम लोग चेन जो टाइट करते हैं वो बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग टायर का जो नया लबर है ना, वो नया लबर बिठा के उसको बिठा देंगे। ये पुराना लबर है, पुराना लबर अगर आपके पास होगा कटा हुआ तो जब भी आप बिठाने जाओगे ना तो गिर जाएगा वो, जैसे कि अभी होगा देखो आप। दो लोग होना है, एक बंदा गाड़ी चुकाना है, उसके बाद ही एक बंदे के हाथ से टायर घुसाने के लिए हो सकता है। ऐसा टूट गया तो ऐसा निकल के गिर जाएगा, तो बिठाने के लिए बहुत दिक्कत होगा, इसलिए हम लोग अभी नया लबर डालेंगे उसका। लबर डाल के उसका जो ग्रू होता है ना वो हिसाब से देख के उसको अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। बिठाने के बाद उसका ब्रेक शू का जो ये रहता है ना वो हमको अंदर से उतार के बिठाना है। वो बिठाने के बाद उसका अभी एक ये आएगा स्पेसर, जैसा टायर को और इसको क्या बोलते हैं किंगम को लगा होता है, तो हम वो भी अंदर डाल के बदल फिर से बिठाना है। उसके बाद उधर से बोल्ट इंसर्ट करना है, बिठाने के पहले जो एडजस्टमेंट का रहता है ना उसको हम लोग लूज़ कर रहे हैं। जैसा हम लोग ने वो सेट का लूज़ किया था टाइम बिठाने के बाद, ऐसा ये सेट भी हम लोग लूज़ करेंगे। तो एडजस्टमेंट बराबर से देख लो आप बिठाने के वक्त, उसके बाद इधर से बोल्ट घुसा के हल्लू से प्रेस करना है, या स्पैनर की मदद से अगर से आप प्रेस करेंगे ना हल्लू से ठोकेंगे तो ये सेट आएगा।
जब इधर आने के लिए कुछ दिक्कत होता है ना, तो हल्के से टायर उठा के अगर से आप करेंगे तो बराबर से अंदर बैठेगा वो। उसके बाद आने के बाद इसका जो चैन का जो क्या बोलते हैं एडजस्टमेंट के लिए जो स्केल दिया होता है उसको बिठाएंगे और उसके बाद उसका नेट वापस बिठाएंगे। तो बिठाने के पहले एक बार क्लीन कर लो। इसका नीचे का जो बोल्ट रहता है वो भी बोल्ट बिठा के उसका एक वॉशर डाल के उसको वापस बिठाएंगे। ये डाल के टाइट कर लो आप, ताकि वो ये ब्रेक शू नहीं हिलेगा। जब भी ब्रेक शू डालते हैं उसका ये जो क्या बोलते हैं लीवर जो रहता है वो बराबर यही तरफ होना है, कभी कभार उल्टा वगैरह हो जाता है अगर से आप इधर उधर प्रेस करोगे तो। फुल टाइट कर दो, उसके बाद ये बोल्ट भी हम लोग टाइट करेंगे। अभी चैन एडजस्टमेंट एक बार देख लेना है, जो लूज था ना चैन वह हम लोग अभी एडजस्टमेंट कर लेंगे। जो स्केल होता है लाइंस वो काउंट करके बराबर से टाइट करना है, ताकि टायर और चैन दो भी एक साथ बराबर आए, नहीं तो अगर से क्रॉस होगा तो चैन प्लग आउट जल्दी जाता है और टायर इधर उधर टच होने के भी चांसेस होते हैं। ये मेरा थोड़ा बड़ा टायर डाला हुआ हूँ, ओरिजिनल टायर का तो टच होने का तो चांसेस नहीं रहेगा अगर क्रॉस बिठा के रहोगे तो स्केलिंग बराबर से इधर पे काउंट कर लो, उधर भी काउंट करके बाद में ही टाइट करना है, तभी चैन टाइट होगा बराबर से इक्वली। तो चैन टाइट हो गया, तो अभी हम ब्रेक शू का जो रॉड होता है वो फिक्स करेंगे। सभी वन बाय वन करना पड़ता है। बारह स्पैनर की मदद से भी टाइट कर सकते हैं, जैसे हाथ से नहीं हो रहा है तो। आपके हिसाब से जितना चाहिए ब्रेक उतना देख के रिक्वायरमेंट के हिसाब से टाइट करना है। जब भी आप फुल टाइट कर रहे हो एक बार टायर वगैरह फिरा के देख लो, अगर कहीं पकड़ ना रहा हो टायर अगर से टाइट हो मतलब कम फिर रहा है फ्री नहीं फिर रहा है तो ब्रेक शू थोड़ा लूज करना है, ज़्यादा टाइट रहेगा तो ब्रेक शू भी घिस जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्री चल रहा है अभी। मैंने ब्रेक चेक किया थोड़ा बहुत दूर से, इसलिए फिर टाइट कर रहा हूँ। तो अभी चैन भी टाइट हो गया, सब टाइट हो गया, तो सारे बोल्ट वगैरह हम लोग टाइट करेंगे। अभी हम लोग ऊपर का फर्स्ट फिट करके बाद में नीचे का फिट करेंगे। नीचे का जब भी आप फिट कर रहे हो तो साइड पीछे की तरफ से उसके नीचे अंदर से जाना होगा, बाहर नहीं रहना हो, वो एक बार देख लो आप ध्यान में रख के वो टाइट कर लो।
थोड़ा बहुत बड़ा हो गया है इन डेप्थ। वो अंदर से जो हम लोग ने बताया था ना स्टार्टिंग में निकाला, वैसे ही बोल्ट हाथ में पकड़ के बाद में टी बार डाल के टाइट कर सकते हो। टी बार में अटका के अगर आप इधर से घुसाएंगे तो निकल जाएगा, वो गिर जाएगा। उसका बुश वगैरह होता है वो सब देख लो ध्यान से, उसके बाद टाइट कर लो। और साइन क्या बोलते हैं, चैन गार्ड जब भी पूरा धोबी डाल के एक बार टायर वगैरह फिरा के देख लो फुल टाइट करने के पहले, अगर कहीं चैन वगैरह लग रहा है या कुछ आवाज़ आ रहा है। अगर कुछ नहीं तो बराबर बैठा हुआ है तो आप चला सकते हैं। नया चैन है इसीलिए हम लोग कुछ ग्रीस वगैरह नहीं करेंगे। थोड़ा एक 500 किलोमीटर्स के बाद या 600 किलोमीटर्स के बाद अगर लुब्रिकेशन वगैरह करना है तो कर सकते हो आप। वो पीछे की तरफ जो मैंने बताया था वो पीछे की तरफ देख लो और आगे की तरफ बराबर बोल्ट की जगह पे बैठा होना चाहिए, वो ध्यान में रखें आप टाइप कर सकते हो। बोल बराबर है क्या देख लो, उसके बाद दो दो थ्रेड डाल के छोड़ो, बाद में वो साइड का भी थ्रेड डालो, उसके बाद टाइट कर लो। अगर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा सामने की तरफ या पीछे की तरफ थोड़ा हटा के गिटा के करने से होगा। तो आज आपको हमने चेंज स्प्रोकेट चेंज करने का दिखाया है। हो सकता है होगा तो हम लोग आपको बहुत सारे वीडियो दिखाएंगे।